उतारो तो सही तरह उतार यार तो इसके दांत देखे इसका मुंह इसका मुंह बहुत बड़ा मुंह है लेकिन बड़ा प्यारा मुंह है इसका। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सलीम नवाज और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। आज संडे का दिन है और ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है और आज मैं आपको अपने घर के सामने ये जो पार्क मौजूद है ये पार्क दिखाऊंगा। इस पार्क के अंदर क्या कुछ है, कितनी मेहनत की गई, कितना कोई खूबसूरत है, कौन से पौधे लगे हुए हैं और किसने लगाए हैं, सारी मेहनत के पीछे कहानी क्या है दिखाऊंगा भी और साथ में बताऊंगा। आप पार्क की वीडियोस एंजॉय करें और साथ में मैं आपको बताता हूं कि इस पार्क के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्रास दिखा दूं जिसको घास कहा जाता है, चेक करें। सॉरी आज कैमरा नहीं है, कैमरा ऑफिस में तो मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूं। और ये घास है, यहाँ पर बहुत ही लेवल की घास है, बहुत ज़बरदस्त घास है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसी जो पार्क है लाहौर में आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं यहाँ पर हर किस्म के पौधे मौजूद है, गुलाब के पौधे ये चेक करें, ये सैकड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में ये पौधे हैं। शायद मैं आपको अगर गिनवाना शुरू कर दूँ तो आपको लग पता चल जाए। और ये वाले पौधे चेक करें ज़रा, क्या ज़बरदस्त है। गुलाब चेक करें ज़रा, होए होए होए। अच्छा, इस पार्क की कहानी क्या है वो भी साथ साथ में बता देता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने ये वाला घर ख़रीदा था और 10 साल पहले जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये पार्क बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी, इसकी कोई सूरत हाल नहीं थी, इसके पीछे मतलब के कुछ भी नहीं था। यहाँ पर गंदा सा एक ग्राउंड था, जंगले इसके टूटे हुए थे, बेंचेस नहीं थे, यहाँ पर घास का तो नामो निशान ही नहीं था। यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी, क्रिकेट ने मज़ीद बेड़ा गर्क किया हुआ था। फिर मेरे वालिद साहब, उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा, तो उन्होंने आज से तकरीबन 5 साल पहले 2014-15 में इस पार्क के ऊपर काम शुरू किया। बड़ी उन्होंने मेहनत की, सबसे पहले तो यहाँ पर क्रिकेट को बंद करवाना पड़ा और क्रिकेट बंद कोई कर ही नहीं रहा था। यहाँ पर ये जगह जो है ना, ये जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है, इसको पिच बनाया हुआ था और आगे पीछे क्रिकेटर्स खड़े होकर क्रिकेट खेलते थे। तो सबसे पहले तो क्रिकेट बंद करवानी पड़ी। क्रिकेट बंद करवाने के चक्करों में इधर जितने हमारे आसपास रहते हैं मोहल्लेदार, इन सब के साथ हमारी लड़ाई झगड़े होते रहे, बहुत ज़्यादा तलखी भी हुई, लड़ाई झगड़े, पुलिस तक इसमें आ गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो माली थे पीएचए के, वो काम नहीं कर रहे थे। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की कानूनी अदालतों में, फिर इदारे में जाके दरख्वास्तें दी पीएचए को, बड़ी मुश्किल से जाके उनको हमने मना लिया कि भाई अब इस पार्क में काम किया जाएगा। खैर, काम करना तो शुरू हो गए थे लेकिन बड़े दिल से काम नहीं कर रहे थे। फिर इस पार्क में पौधों की कमी थी, पौधे अब कहाँ से लगाए जाए। आपको मैं जो कुछ दिखा रहा हूँ ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ये सब कुछ अपनी मेहनत है हमारी। करते करते फिर हमने यहाँ पर अपने तौर पर पौधे ख़रीद कर यहाँ पर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन चूँकि ये एक बड़ा पार्क है, तकरीबन अगर आप कनाल में देखते हैं तो 8 कनाल का पार्क है, तो 8 कनाल के पार्क में 8,000 पौधे लगे तो भी कम है। तो इतना बजट नहीं था हमारे पास। बहरहाल उसके बाद तकरीबन जब ये गवर्नमेंट आई 2018 में, इन्होंने पौधे वगैरह देना शुरू कर दिया हमें। और उसके बाद ये पार्क की सूरत हाल है इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं कि अब पार्क का नक्शा कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग बजित थे कि हमने यहाँ पर क्रिकेट खेलनी है, फिर भी क्रिकेट खेलते थे। हम उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते रहे कि भाई ये फैमिली पार्क है, नॉट क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट ग्राउंड भी इस टाउनशिप में मौजूद है, इस इलाके में मौजूद है, बहुत बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं जाते, ये करीब थे मोहल्लेदार आ जाते थे और यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। और शुएब इधर आ, तो ये लोग क्रिकेट खेलते थे, हम मना करते थे, नहीं मना होते थे।
और अब इसकी सूरत हाल ये है, मेरा चाचू का बेटा है शुएब इस्लाम। शुएब क्या हाल है? ठीक। छुट्टियाँ कैसी जा रही है आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, और कितनी छुट्टियाँ चाहिए आपको? हमें तो जिंदगी भर के लिए छुट्टियाँ चाहिए। मास्क पहना है? वाह भी वाह, बड़े जिम्मेदार हो तुम तो। मेरा मास्क पॉकेट में। अच्छा, खैर यहाँ पर हम लोग करते रहे काम और लड़ाई झगड़े होते रहे, उसके बाद लोग मना हो गए। अब यही मोहल्लेदार ये सारे मोहल्लेदार मिलकर इस पार्क को सपोर्ट करते हैं, इस पार्क की एक एक चीज़ की निगरानी करते हैं। और जो मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बिल्कुल मेरे घर के ऑपोजिट है। यहाँ पर हमने अपनी सब्ज़ियाँ लगाई हुई है। सब्ज़ियाँ कौन कौन सी हैं? ये है हरा प्याज, आगे पता नहीं क्या लगा है, आप खुद बता दें कमेंट में ये क्या है, मुझे नहीं पता, इतना गार्डनिंग का साफ बात है। ये भी कोई है, बैंगन है आई थिंक। इसी तरह ये भी कुछ है, ये भी कोई नींबू वगैरह का पौधा है। ये धनिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी कुछ और सब्ज़ियाँ वगैरह लगी है, तो यहाँ पर गुलाब के पौधे शुरू हो जाते हैं। और ये सब्ज़ियाँ मैंने खाई भी है कई मरतबा, ये पुदीना है, ये भी सब्ज़ी है। इधर हरी मिर्चें भी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है, तकरीबन 6 या 7 किस्म की सब्ज़ी यहाँ पर लगी हुई है। शहरों में ये सब्ज़ी होना बड़ी बात होती है, ये अगर आपको लग रहा है कि देहात में रहते हैं तो इट्स ओके, वहाँ पर तो यह सब कुछ होता है, लेकिन शहर में इस तरह पॉसिबल नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा मैं बता रहा था इस पार्क के ऊपर कि अब ये सारे मोहल्लेदार खुश होते हैं, दुआएं देते हैं कि भाई शुक्र है आपने इस पार्क के ऊपर मेहनत की, काम किया, अगर आप ना होते तो ये पार्क हमें इस तरह बंजर ही मिलता। अब यहाँ पर ना कोई क्रिकेट खेलता है, ना कोई फुटबॉल खेलता है, फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं। और ये देखें हमारे घर के बच्चे खुद अब ख्याल रखते हैं पौधों का, पानी वगैरह भी देते हैं। चेक करें, शेब क्या कर रहे हो? सुबह उठते हैं, इनको पानी देते हैं। कितने बजे पानी देते हो? जब ट्यूबवेल खुल जाता है 4 बजे सुबह, तो सुबह 4 बजे खुल जाता है, फिर 5 बजे 6 7 बजे तक रहता है। तो फिर मेरे जो चाचू है ना, मतलब आपके अब्बू, वो यहाँ पे पाइप लगा के यहाँ पे पौधों को पानी देते हैं। अच्छा, फिर सबको भरते हैं। अच्छा, तो उसके बाद चली जाती है, फिर आते हैं 2 घंटे बाद फिर पानी आता है। अच्छा, 2 घंटे बाद फिर आता है, फिर 9 बजे आता है, फिर 3 बजे जाता है। 3 बजे जाता है, ठीक। तब तक सोहेल क्या हाल है तुम्हारा? ठीक है। मास्क उतारो जरा, अपना मुंह दिखाओ लोगों को। उतारो तो सही, जरा उतार यार, इसके दांत देखे, इसका मुँह, इसका मुँह बहुत बड़ा मुँह है, लेकिन बड़ा प्यारा मुँह है इसका। सोहेल तू पार्क में पानी देता है? रात को कभी कभी दे देता हूँ चाचू को कहने पे। रात को देते हो? चाचू नहीं, वो तेरे ताए अबू है जिसका तू चाचू, मेरे वाले साहब इनके अबू से बड़े हैं, तो ये उनको चाचू कह रहे हैं। खैर अब पार्क में देखे कि बच्चे आते हैं, और शाम में यहाँ पर जब अंधेरा हो जाता है तो फैमिलीज आती है, तो यहाँ पे लड़के वगैरह अगर हो भी तो वो साइड पे बैठ जाते हैं, हया रखते हैं एक दूसरे का, क्योंकि सारे मोहल्लेदार इकट्ठे ही रहते हैं। वो मेरा भाई बैठा हुआ है एक, आपको इससे भी मिलवा देता हूँ आज, इसका नाम है फहीम। इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये पुलिस में वर्दी हुआ है, इसका अलग इंटरव्यू करेंगे और ये क्या कुछ करता है ये बताएंगे। फहीम, पार्क की क्या सूरत हाल है? पार्क बहुत प्यारा हो गया, बैठने की जगह मिल गई है। किसकी वजह से हुआ? नवाज़ खान की तरफ। वो कौन है? वालिद साहब। वालिद साहब हैं। चलो ज़बरदस्त, ये मेरे भाई। और ये देखे पौधे चेक करें यहाँ पर, किस किस्म के पौधे लगे हैं। अच्छा, अब ये जो है ना मेरे घर के बाहर का सीन है, आप देख सकते हैं। पहले ये मैं अपने हमसाए का घर दिखा दूँ, पता इधर हर घर के बाहर हमने इस तरह के फूल लगाए हुए हैं, लेकिन इधर चूँकि हमने पैसे खर्चे हैं अपने, तो यहाँ पर देखें आप, एक तो ये गमला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, फिर ये वाले पौधे आप देख सकते हैं यहाँ पर।
इतने कम एरिया के अंदर, बहुत ही कम एरिया के अंदर इतने सारे हर किस्म के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखें, इधर भी गमला है, अंदर भी पौधे लगे हुए हैं इस किस्म के। चेक करें, ये अब ये हमारा आम का दरख्त है, ये वाला, ये जो लगा हुआ है ना। अच्छा, आम के दरख्त में जो ये कट्स लगाए गए हैं ना, अब ये मेरे अब्बू मुझे बता रहे हैं कि इससे ये भी इसकी परवरिश का एक हिस्सा है। ये जो कट लगे हुए हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं, चेक करें, उसके अंदर कोई मेडिसिन भी डाली हुई है शायद, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कोई मेडिसिन है, कोई दवाई वगैरह अंदर लगाई हुई है इसके। ये देखें आप ज़रा पूरा सीन यहाँ पे, कि आपको नज़र आ जाएगा कि हर घर के बाहर ही इस तरह के पौधे लगाए गए हैं जी। तो संडे को मैं इसी पार्क में होता हूँ, काम कम करता हूँ, बहुत कम, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ हो तो चला जाता हूँ ऑफिस, अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेता हूँ, नहीं तो कोशिश होती है कि घर पर ही रहूँ, घर वालों को टाइम दूँ, या फिर पार्क आ जाता हूँ। शाम में मज़ा आता है इस पार्क का। अभी चूँकि अप्रैल का महीना है, लेकिन लाहौर के अंदर जब इधर हम फिर रहे होते हैं रात के टाइम, यकीन करें अच्छी खासी हमें ठंडी हवा होती है, सर्दी टाइप की ही एक फीलिंग आ रही होती। एग्जैक्टली सर्दी तो नहीं हो सकती क्योंकि अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, आगाज़ पर है, और धूप भी निकली हुई अच्छी खासी, लेकिन शाम को यहाँ पर इंजॉय किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, शायद इन चीज़ों की कोई हैसियत ना हो, पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को कोई इतनी अहमियत ना दी जाती हो, लेकिन जितने भी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर ये सहूलियात लेने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है, मेहनत चाहिए होती है, ये नहीं कि मेहनत के बगैर। अब ये जो ग्रास लगी है, ये फूल लगे, ये नहीं कि लगा दिए बस ठोक दिए इट्स ओके, इसको काटने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको पानी देने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम चाहिए होता है। पार्क दिखा दिया आपको अपना, अपने घर के बाहर जो मेरी सीन बना हुआ है पौधों का, दरख्तों का, वो भी दिखा दिया। अगर आपके पास ऐसा कोई पार्क है तो आप हमें दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।